दोस्तों, यदि आपने रेलवे सेक्टर के किसी भी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यानी कि IRFC, IRCTC, IRCON, रेलवे टेल और RVNL के अंदर भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार न्यूज़ लेकर आया हूँ। कह सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पर पूरे रेलवे सेक्टर को एक तोहफा यहाँ पर दिया है और उसका एक एग्जाम्पल आज के दिन ही हमें देखने को मिल चुका है। तो यदि आपने रेलवे सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यानी कि इन शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या फिर आप इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हैं, तो इस गवर्नमेंट के मेगा प्लान के आगे आप बिल्कुल भी चूक मत जाइएगा, नहीं तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। तो क्या है कंप्लीट न्यूज़ इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल ही के दिन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि यहां पर रेलवे के मोनेटाइजेशन से रिलेटेड है। जी हां दोस्तों, इस मोनेटाइजेशन के अंदर हमारी गवर्नमेंट लगभग 400 रेलवे स्टेशंस को कवर करने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ा मेगा प्लान यहाँ पर होने वाला है, जिसमें 90 पैसेंजर ट्रेन्स भी इंक्लूड है। और अगर इसकी वर्थ की बात करूँ तो ये असेट मोनेटाइजेशन जो करी जा रही है, इसकी वर्थ 1.52 लाख करोड़, जी हाँ दोस्तों, 1,52,000, यानी कि 1.5 लाख करोड़ के आसपास हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये बहुत बड़ा मेगा प्लान यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। इसकी अगर कंप्लीट न्यूज़ मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँ तो आप देख सकते हैं, रेलवे विल मोनेटाइज असेट्स इंक्लूडिंग सर्टेन स्टेशंस, ट्रैक्स, पैसेंजर ट्रेन्स एंड कॉनकम रेलवे वर्थ ओवर ₹1.52 लाख करोड़ ओवर 5 ईयर्स टिल फाइनेंशियल ईयर 2025। तो यानी कि ये जो आने वाले 4 सालों का ये मेगा प्लान यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है। तो अल्टीमेटली अगर आपने IRFC के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, IRCTC के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, IRCON के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, RVNL या और भी किसी रेलवे सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, गलती से भी अपने माल को मत बेचिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आपने इतना पेशेंस रखा है तो मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा पेशेंस और रखिए और लॉन्ग टर्म का व्यू रख के चलिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो ये मेगा प्लान रेडी किया गया है, इससे अल्टीमेटली बेनिफिट रेलवे के इन सभी शेयर्स को होने वाला है। Key rail assets identified for monetization during financial year 2022 to 2025 include 400 railway stations. जैसा कि मैंने आपको बताया, 400 railway stations cover होने वाले हैं, 90 यानी कि 90 passenger trains cover होने वाली है, 1400 किलोमीटर का एक railway track इसके अंदर include है, 741 यानी कि 741 किलोमीटर on Konkan railway भी इसके अंदर include है, 15 railway stadium and selected railway colonies, 265 रेलवे ऑन गुड्स शेड, जी हाँ दोस्तों, 262 यहाँ पर रेलवे ऑन गुड्स शेड्स भी कवर किए गए हैं और 4 हिल रेलवेज कवर किए गए हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये जो 1.52 लाख करोड़ रुपीज़ का पैकेज यहाँ पर बनाया गया है, इसमें इतनी सारी चीज़ों को कवर किया गया है। तो अल्टीमेटली इन सबका बेनिफिट रेलवे सेक्टर के सभी शेयर्स को मिलने वाला है। द इंडिकेटिव मोनेटाइजेशन वैल्यू इज एस्टिमेटेड एट ₹1,52,496 करोड़ ओवर द NMP पीरियड फाइनेंशियल ईयर 2022 to 2025। द NMP डॉक्यूमेंट सेड ऑन दिस 17,810 करोड़ वुड बी मोनेटाइज दिस फिस्कल, 57,222 करोड़ इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, इन फाइनेंशियल ईयर 2022 to 2023 44,907 करोड़ इन द। तो यहाँ पर पूरा बाइफरकेशन आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर एस्टिमेट लगाया गया है 1,52,496 करोड़ रुपए का, किस किस फाइनेंशियल ईयर में कितना कितना यहाँ पर अलॉट किया गया है, सारी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं इस न्यूज़ का एक एग्जांपल भी आपके सामने प्रेजेंट करूं तो IRCON, जी हाँ दोस्तों, IRCON इंटरनेशनल लिमिटेड के अंदर आज के दिन हमें 7.5% की रैली देखने को मिल चुकी है। यानी कि IRCON के अंदर पिछले ट्रेडिंग सेशन में आपको इतनी बड़ी रैली नहीं देखने को मिली थी, लेकिन आज कल के ट्रेडिंग से कल के मार्केट में जैसे ही ये न्यूज़ सर्कुलेट होती है, तो आज ट्रेडिंग स्टार्ट होते ही आपको IRCON के अंदर 7.5% तक की बड़ी तेज़ी देखने को मिल जाती है। IRCON हमेशा से बहुत ही शानदार शेयर रहा है रेलवे सेक्टर का, क्योंकि इसने अपने
अपने शेयर होल्डर्स को बोनस भी दिया है, स्प्लिट भी दिया है, और हमेशा से एक ये मल्टी बिगर शेयर्स लगा है। तो यहाँ पर 50 रुपीज़ के अंदर अगर आप किसी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो कि रेलवे सेक्टर से बिलोंग करता है, तो डेफिनेटली इरकॉन को आप पिक कर सकते हैं। हालांकि दूसरे रेलवे सेक्टर के शेयर्स के अंदर भी आज हमें शानदार तेजी देखने को मिली, जिसमें बात करें रेलटेल की, तो रेलटेल के अंदर भी आज हमें 2.25% तक की तेजी देखने को मिली। बात करें IRCTC की, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर भी आज हमें 2.68% यानी कि लगभग 2.3% की तेजी देखने को मिली। इन सभी रेलवे सेक्टर के अंदर आपको जो ये तेजी देखने को मिल रही है, इसके पीछे की रीजन सिर्फ असेट मोनेटाइजेशन की जो ये पॉलिसी यहाँ पर लाई गई है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, उसी के कारण आपको ये तेजी देखने को मिल रही है। बात करें रेल विकास निगम लिमिटेड की, तो अल्टीमेटली आज आपको इस शेयर्स के अंदर एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये शेयर्स भी आपको शानदार रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। और बात करें IRFC, आपके और हमारे पसंदीदा शेयरों में से एक IRFC, भले ही इसने रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए हैं जनवरी से अभी तक, लेकिन मैंने हमेशा से कहा है कि कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है, कंपनी का फाइनेंशियल बहुत ही स्ट्रांग है, और सबसे मेन बात यह है कि ये रेलवे सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। और जैसा कि आपको पता है कि कंपनी ने यानी कि रेलवे सेक्टर ने, हमारी गवर्नमेंट ने जो है प्लान्स रेडी करा है, इसमें फाइनेंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट लगने वाली है, और अल्टीमेटली बेनिफिट IRFC को ही मिलने वाला है। तो यदि आपने IRFC के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो अब आप रेडी हो जाइए, क्योंकि आपको आने वाले 2 से 3 सालों में इस शेयर्स के अंदर मल्टी बेगर रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने हर बार आपको कहा है कि शेयर मार्केट में अगर आप पेशेंस नहीं रखते हैं, तो आप यहां पर अपनी पोजीशंस को स्क्वेयर ऑफ करके बाहर हो जाइए। लेकिन अगर आपने पेशेंस रखना सीख लिया, अगर आप यहां पर टिके रहे, पीच पर टिके रहे, तो डेफिनेटली आप यहां पर शतक बनाकर ही निकलेंगे। तो इन सभी शेयर्स के अंदर आज के दिन आपको काफ़ी शानदार मूवमेंट देखने को मिले, और उस मूवमेंट के पीछे की मेन जो रीज़न है वो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो यदि आपको वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं ताकि हम आपके लिए इसी ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स लेकर आते रहें। अगर आपको हमारी ये मेहनत, हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। साथ ही साथ अगर आप भी और भी शेयर्स को यहाँ पर कवर करना चाहते हैं, और भी शेयर्स के बारे में डिटेल्स में अपडेट रहना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि YouTube के ऊपर हर एक शेयर्स को कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं हमेशा से आपको हर एक वीडियो में यही कहता हूँ कि यदि आप शेयर मार्केट की हर छोटी बड़ी अपडेट्स, चाहे वो स्मॉल कैप शेयर्स हो, मिड कैप शेयर्स हो, या फिर लार्ज कैप शेयर्स हो, सभी की अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से डेली बेसिस पर अपडेट करी जा रही है। तो यदि आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा है तो आपको पता ही होगा, लेकिन अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।